हाय गाइस, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे इस न्यू चैनल में, सेम होम ब्लॉग्स। और सबसे पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आज बहुत दिन हो चुके हैं और कम से कम एक महीने से ऊपर हो चुका है, मैं बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये था कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम जब हम शॉपिंग कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, तो उस बीच हम कर चले गए थे क्योंकि एक छोटा सा फंक्शन था, इसके मुंडन वगैरह करवाने थे हमको, और हम लोग घर चले गए थे। और मैंने सोचा था कि मैं घर जाके वहाँ सब कुछ आपको दिखाऊँगी, बिकॉज ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि घर जाते ही फंक्शंस की तैयारी स्टार्ट थी। और उसी बीच ज़रा भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं शायद थोड़ा भी शूट कर पाऊँ, और ये भी कभी इधर कभी उधर, बस ऐसे ही बाका दौड़ी। पहले तो शादी थी, शादी में जैसे हम घर पहुँचे उसी शाम को हम घर पहुँचे 7:30 बजे, तो सब इससे लगे हुए थे मिलने जुले। और दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस था शादी का, दूसरे दिन दोपहर को हम चले गए शादी वाले घर, क्योंकि घर में शादी थी। और शादी फंक्शंस के बाद हम लोग निकल गए 3:30 बजे। मैं अपने मायके चली गई, सोचा कि चलो 1-2 घंटे में लेके आते हैं, इसको मिलवा लेके आते हैं। फिर आते आते हमको वहाँ से बच के शाम के 6, मैं सोचा कि सब कुछ दिखाऊँगी आपको, तो लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सॉरी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर जब मैं घर जाऊँगी तब सब वो सब कुछ दिखाऊँगी अपने ससुराल माई पास कुछ, क्योंकि शायद मैं शूट कर पाती, लेकिन मेरे अंदर एक कहते हैं हेजिटेशन, जैसे मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो पा रहा था क्योंकि मोबाइल पकड़ के बातें करना थोड़ा सा मेरे लिए हो पा रहा था। हाँ, थोड़ा कहते हैं ना, एक हैबिट बन जाए तो फिर थोड़ा सा इतना होता नहीं है, फील नहीं हो पाता। लेकिन मुझे थोड़ा शर्म जैसी लग रही थी यार कि अब मोबाइल लेके अगर ऐसे बातें करूँगी तो बोलेंगे पता नहीं क्या नया काम कर रही है, उनको थोड़े ना पता है घर वालों को क्या क्या नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत जब तक मेरा चैनल भी ग्रो होता, मेरे अंदर का डर भी ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा शर्म जो आएगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ बहुत ही अच्छे से दिखाऊंगी आप सबको। और यहाँ पे बेबी सो रहा है, क्योंकि पता ऐसे ही चल रहा था, मौसम थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है, जिसके चलते मैं सब चलो इसको थोड़ी चक्कर उड़ा देते हैं, थोड़ा ठंडा जैसा हो रहा था। और आते ही आ जाए हुए हमको पहुँच, हाँ 10 दिन हो गए हैं घर से आए हुए, 10 से 12 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरी तबीयत आते ही हो गई ख़राब। अच्छा हुआ कि वो सब ठीक है। मुझे सैटरडे को हम पहुँचे शाम को, संडे को मैंने काम वगैरह किया बेबी गर्ल के साथ सफाई कर, उसके बाद जैसे ही 3-4 बजे तो मेरा फीवर एकदम इतना हाई वाला हो गया कि मुझे लगा शायद नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, मेडिसिन वगैरह तो ठीक हो जाएगा। संडे था, हॉस्पिटल भी कोई पास वाला खुला नहीं था, बंद था, ऐसे ही मेडिसिन पैरास्टामोल मेरे लिए, तो कुछ आराम नहीं पड़ा मुझे। फिर मैंने दूसरी बार फिर एक टैबलेट ली रात को, फिर मैंने वो ये, हाँ उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला मुझे। फिर सुबह जैसे हुई फिर वही हाल, एकदम पूरी बॉडी पेन, बहुत बुरा हाल हो रहा था मेरा, घर की वजह से। बहुत देर बाद मुझे इस तरह फीवर आया था, और आया था एक बार मुझे डेंगू हुआ ना, तब तो इस तरह का एकदम बॉडी में पेन ठंड वाला आ रहा था, तब हुआ था। और उसके बाद मतलब अभी जो मुझे हुआ है पिछले हफ्ते, इस तरह का हुआ है, नहीं तो इतना हाई वाला नहीं होता है। मैं
पट्टियाँ भी गुरु के सिर पे रख रही हूँ, दो दिन में कुछ भी नहीं हो पा रहा, थोड़ा सर में चढ़ गया। तीन चार दिन तक तो फीवर मतलब रहा ही, मेडिसिन भी फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर की मेडिसिन जब तक मैं 8 घंटे हो रही थी 9 घंटे तब तक ठीक रह रही थी, उसके बाद फिर फीवर आ गया था। 4-5 दिन तक तो मेरा फीवर ही रहा और उसके बाद फिर बस सर्दी खांसी जैसी होने लगी, एकदम कफ जैसा हो गया, गला दर्द। कि आज 10-12 दिन हो गए आए हुए लेकिन अभी मेरा गला ठीक नहीं हुआ प्रॉपरली। कि उसके पीछे ये था कि वहाँ हमारे ठंड हो गई थी और यहाँ पे अभी मौसम मतलब जब हम आए थे दिन में दोपहर में आए तो थोड़ा गर्म जैसा था, मतलब नॉर्मली गर्म जैसा हीट जैसी थी। तो आते ही 2-2.5 बजे का टाइम था, हम रास्ते में मैंने सोचा सब बोलने लगे चलो भाई जूस पीते हैं गन्ने का, तो मैंने भी पी लिया, मैंने चलो पी लेते हैं वैसे भी गर्मी में कोई बात नहीं, ट्रेन में भी पानी कम किया गया, चलो अभी तो पीते हैं क्या हो रहा है, तो पिया। उसके बाद गर्मी आने के बाद भी उसी दिन भी शाम को जूस पी लिया और थोड़ा ठंडा गर्म हो गया, उसकी वजह से मेरी तबीयत हो गई थोड़ी ख़राब, तभी तो आज तक ठीक नहीं हो पा रही उतनी अच्छे से। खाने का तो बहुत ध्यान रखती हूँ हमेशा, मैं कभी कोई चीज़ ऐसी नहीं खाती हूँ जिससे मेरी तबीयत ख़राब हो। देखो कफ वाली ये मेडिसिन है, ठीक है बीच बीच में हो रहा है वैसे ज़्यादा नहीं हो रहा, ये मेडिसिन जैसे कफ वाली पियो ना उसके बाद फिर नींद आती है ना, आंखें नहीं खुलती हैं भाई साहब, बहुत बुरा हाल हो जाता है। 2 दिन तक ऐसे लगता है कि नशे में इंसान, मुझे तो 2 दिन तक ऐसे होता रहता है, आज कहूँगी तो कल तक ऐसा लगता रहेगा, नशे में नींद लें आँखें निकल रही, सुबह में आँखें निकल रही, रात को आँखें निकल रही, दिन में आँखें निकल रही, ऐसा हाल हो जाता है इसे। मैं बहुत डरती हूँ इससे, ऐसे नॉर्मल दुकान से जो लेके पीते हैं ना, जो डॉक्टर देते हैं वो सही देते हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं देते। उससे पहले जब मैं प्रेगनेंट थी उस बीच में मुझे कफ बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब हाँ शुरुआत से मुझे खांसी इतनी थी कि मेरी हालत खांस खांस के ख़राब होती थी, लेकिन मैं डॉक्टर ने मुझे मेरी जो गायनिक थी उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी कफ की और पानी, उन्होंने कहा कि इसको गर्म पानी में 1 लीटर शायद 1 गिलास पानी में डाल के पीना है, तो मैंने बोली वो तो अभी मैंने देखा कि एक्सपायर हो चुके हैं, मैं वो काफ़ी बहुत सही थी, उससे कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन ये जो ऐसे हम दुकान से लेके कर सोचते हैं ना टाइम पास के लिए, कफ ठीक हो जाएगी आराम तो पड़ता है, लेकिन पता नहीं इसमें क्या ऐसा ड्रग्स होता है कि नशा जैसा हो जाता है, नशा एकदम, इसलिए मैं इसको लेती नहीं हूँ, ज़्यादा ही इमरजेंसी हो जाए रात में भी ज़्यादा खांसी आना शुरू हो जाए तो लेती हूँ, अदरवाइज में तो हाँ मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं कुछ ब्लॉगिंग वगैरह तो नहीं हो पाई, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज छोटा सा एक अपडेट आपको दे देते हैं कि हम लोग यहाँ पर है और कोशिश करूँगी रेगुलर ब्लॉग डालूँगी, आप सबको दिखाऊँगी क्या है क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैंने इस बार सोचा कि आप सबको दिखाऊँगी और आप सबका साथ है तो क्या बात है, और बने रहिए ब्लॉग में, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर्स आप देखिए आपने देखे ही होंगे कि कितने हैं, कोई बात नहीं, 8 हैं तो 800 हो जाएंगे, कोई बात नहीं ये तो चलता रहता है, हाँ मैंने मेहनत नहीं की, मैंने मेहनत की होती तो आज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, कोई बात नहीं मेहनत करेंगे जितना होगा उतनी मेहनत करेंगे, उसके बावजूद रिजल्ट देने वाला भगवान है, बाकी इस पर छोड़ दो। और ये हमारा छोटा सा चलो मैसेज ही देखते हैं, ये भी आज सो रहा है, अभी अगर जगह होता तो मैं इसको भी दिखाती आपको मुंडन करवाने के बाद ये कैसा लग रहा है, और बहुत शरारती हो गया, बहुत ज़्यादा शरारती हो गया,
दिखाऊंगी मैं आपको कि कितना शरारती हो चुका है अभी। ये बिल्कुल मानता नहीं है, बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से उछल रहा है, कूद रहा है, तो बेड से भी पूरा जंप करने की कोशिश करता है। और बेड पे एक मेड भी, अगर मैं उसको मना भी करूँगी ना, नहीं आ गया ना, तब भी वही काम करेगा। और बेड पकड़ के इधर से उधर चल रहा, इधर से उधर चलेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, मतलब बैंड बजा के रख दी है इसने मेरे। बहुत शरारती हो गया, बहुत शरारती हो गया। तो गाइस ये था मेरा एक छोटा सा मैसेज। सो प्लीज़ आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ आप सबके लिए। और कुछ नया पुराना सब दिखाऊँगी आपको, पुराना भी है जो मेरी पुरानी जर्नी में सोचे क्यों ना पुरानी जर्नी शेयर करूँ आप सबके साथ। मैं किसी दिन सोचा है मैंने, अभी आज ही मेरे मन में चलो कि मैं शेयर करते हैं क्या कुछ। हाँ उस टाइम तो मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पाई, मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या होता है क्या नहीं। हाँ मैं देखती थी तो मेरा, हाँ आज मुझे बहुत पछतावा होता है कि हाँ मैं क्या होता था, शायद मेरी एक मेमोरीज रह गई। चलो पर कोई नहीं, कहते हैं जब जाओ तभी सवेरे, कोई हाल है मेरा। तो गाइस बने रहिए ब्लॉगिंग में, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो तब तक के लिए बाय।